और खबर भिंड से मिल रही है, जहां रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई की गई है। परिवहन और उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए 26 वाहन संचालकों पर 7,68,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर आशीष गुप्ता ने यह पूरी ही कार्रवाई की है। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती, और कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए जो 26 वाहन संचालक हैं जिनके द्वारा रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा था, उन पर कार्रवाई की गई है और जुर्माना यहां पर इन संचालकों पर लगाया गया है 7,68,000 रुपए का जुर्माना 26 वाहन संचालकों पर कलेक्टर द्वारा लगाया गया है। तो भिंड से खबर मिल रही है, जहां रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 26 वाहन संचालक जिनके वाहन रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे थे, उन पर जुर्माना लगाया गया है। तो रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन की सख्ती, कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कार्रवाई की और जो वाहन संचालक हैं जो कि धड़ल्ले से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में अपनी भागीदारी दे रहे थे, उन पर ये जुर्माना लगाया गया है। विकास हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती प्रशासन द्वारा दिखाई गई है? जी, आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार जो भिंड जिले में लगातार अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, उसको लेकर कलेक्टर आशीष कुमार गुप्ता ने आज कार्रवाई करते हुए करीबन 26 वाहन जिसमें ट्रैक्टर और ट्रक शामिल हैं उनको पकड़ा और तत्काल उन पर जुर्माना ठोकते हुए 7-8 लाख रुपए का जुर्माना किया है। और जो आगे की कार्रवाई है, उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी जिससे जो अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।